स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों क्लास इलेवेंथ के विद्यार्थी के लिए रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास इलेवेंथ का इकोनॉमिक सब्जेक्ट जिसको हम लोग हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं उसका दोस्तों आज जो वीकली टेस्ट हुआ है 6 जुलाई को, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास इलेवेंथ का इकोनॉमिक सब्जेक्ट का 6 जुलाई का जो वीकली टेस्ट हुआ है यानी कि आज उसका हम लोग जो है आंसर की को आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। इसलिए आप दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, सभी साथियों के साथ यानी कि दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर चैनल दोस्तों आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और बोर्ड एग्जाम 2025 का अच्छी तैयारी आप कर सके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आंसर की को फटाफट से मिला लेते हैं क्या किसका आंसर रहने वाला है। हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू कर, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों आज आपका जो एग्जाम हुआ था जिसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ठीक है। टोटल 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था और उसके बाद 6 सब्जेक्टिव था। तो सारा का सारा आंसर आपको बताएंगे, दिक्कत मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा का संशोधन कब हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर, ठीक है। 1986 में उपभोक्ता संरक्षण यानी कि कोपरा का संशोधन हुआ था, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। और देखिए दोस्तों आपको पता है कि अभी जो वीकली टेस्ट चल रहा है उसमें, ठीक है, एक साल का पीछे का यानी कि अगर आप क्लास 11 में तो आपको क्लास 10 का भी क्वेश्चंस उसमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों एग्जाम ले रहा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगला बार से आपको जो है 11 का ही एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। चलिए दो नंबर, इनमें से कौन प्राकृतिक उत्पाद है, तो दोस्तों यहाँ पर प्राकृतिक उत्पाद कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कपड़ा दिया गया, गेहूँ का आटा है, कपास है और टमाटो सॉस है, ठीक है। तो देखिए प्राकृतिक उत्पाद यानी कि प्रकृति के द्वारा उपजाया गया पदार्थ को, ठीक है, हम लोग प्राकृतिक उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पर दो में जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कपास, कपास यानी कि कॉटन जो आपका हो जाएगा दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये प्राकृतिक उत्पाद यानी कि नेचुरल है, ठीक है। नेचुरल के द्वारा ये उपजाया जाता है, उत्पाद किया जाता है, ठीक है। ये मानव इसको नहीं बना सकता है, ठीक है। तो दोस्तों क्लास 11 के विद्यार्थी वीडियो को अंत तक देखिए। और इकोनॉमिक्स में दोस्तों आपका जो है 40 में से कितना सही हुआ नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और अभी तक एक और जरूरी बात, वीकली टेस्ट नहीं दिया तो वीडियो को अंत तक देख के जाइएगा ताकि 40 में 40 आपका कोई छीन ना सके, ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों में, ठीक है। चलिए तीन नंबर, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है, तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित किया जाता है। तो 3 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, उद्गमों के स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को विभाजित किया जाता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। जो जो ऑप्शन बता रहे थे दिमाग में हिला लीजिएगा, अगर वीकली टेस्ट नहीं दिया और जो दे लिया है, ठीक है, वो आंसर बता दीजिएगा कितना सही किया, ठीक है। 4 नंबर, किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है और तृतीय क्षेत्र और आपका इनमें से कोई नहीं, तो सेवा प्रदान करता है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, शिक्षा दे रहे हैं तो ये आपका सेवा प्रदान हो गया। जैसे डॉक्टर लोग हो गया वो आपका क्या है, तो ये भी आपका सेवा प्रदान करता है, तो ये भी आपका क्या हो गया, तो सेवा क्षेत्र में आता है। तो सेवा क्षेत्र को हम लोग कौन सा क्षेत्र में मानते हैं, तो आपका तृतीयक क्षेत्र में आता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी, आपको देख रहे होंगे कि सारा आंसर क्वेश्चन जो है टेंथ का, तो इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको एग्जाम दिए हो तो आपको पता है, जो नहीं दिए तो देख लीजिए आपका इसी प्रकार का यानी कि 1:1 जो भी क्वेश्चन है सेम टू सेम रहेगा और आपका 40 में 40 पक्का रहेगा, ठीक है। और जो एग्ज़ाम दे दे वो आपका आंसर की मिला लीजिएगा। चलिए 5 है, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश किया जाता है, तो मानव विकास रिपोर्ट दोस्तों UNDP के द्वारा, ठीक है, DP के द्वारा क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर 5 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 6 नंबर, मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामलों की सूची में रखे जाते हैं, मुद्रा हो गया, बैंकिंग हो गया, संचार हो गया, ठीक है, जैसे बहुत सारे मामले हैं जो कौन से सूची में रखा जाता है, ठीक है। ऑप्शन था संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और सभी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका संघ सूची में मुद्रा बैंकिंग और संचार को रखा जाता है, ठीक है। तो 6 का भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर, 7 नंबर तो सबसे पूछा गया कि जिस क्षेत्र के प्रति व्यक्ति आय अधिक हो तो वह क्या कहलाता है। मान चलिए कोई भी देश उसका प्रति व्यक्ति क्या है, हाई है, बूस्ट है यानी कि ज़्यादा है, ठीक है।
तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं विकसित देश कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो 8 नंबर का प्रश्न है, उपभोक्ता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, उपभोक्ता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो याद रखिए उपभोक्ता आंदोलन 1960 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, यानी कि शुरू हुआ। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग 8 तक पहुँच गए। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर। 9 नंबर दोस्तों कहता है हॉलमार्क लोगों को किस वस्तु पर लगाया जाता है। तो याद रखिएगा आप लोग सोना खरीदते होंगे, ठीक है, सोना, सोना में दोस्तों कहता होगा कि ये मेरा हॉलमार्क का सोना है। ठीक है, हॉलमार्क क्या है, तो एक आपका क्या है, तो ये इसका आभूषण का एक प्रतीक हो जाता है। ठीक है, जो कि सोने के आभूषण पर लगाया जाता है, हॉलमार्क का निशान। ठीक है, चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर। द्वितीयक क्षेत्र को कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र को कौन से क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जान सकते हैं, यानी कि 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 10 ऑब्जेक्टिव का आंसर हम बता चुके हैं, और अगर एग्ज़ाम आप दे चुके थे तो आप बता दीजिएगा, ठीक है, कि कितना सही हुआ है 10 में से। ठीक है, और जो नहीं देखा था वो उसका ऑब्जेक्टिव है 20 नंबर पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं सब्जेक्टिव की ओर। तो सब्जेक्टिव में दोस्तों हम लोग जो है सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन जो पूछा गया है सेक्शंस बी का, ठीक है, जिसमें आपको जो है 4 नंबर कर रहा था वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, उसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ठीक है, दो क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो 11 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया था कि बेरोजगारी क्या है, तो इसका हम लोग आंसर लिखे बहुत ही सिंपल भाषा में, बेरोजगारी तब होती है जब काम करना चाहने वाले लोग, ठीक है, यानी बेरोजगारी तब होती है जब काम करना चाहने वाले श्रमिकों को नौकरी नहीं मिलती है। मान चलिए जिसको काम करने का इच्छुक है, जो व्यक्ति काम करने की चाह है उसको काम नहीं मिल रहा है, उसको हम लोग बेरोजगारी कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लिख लीजिएगा आंसर को। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ किसे कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ किसे कहा जाता है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन एवं नियंत्रण व स्वामित्व रखती है, जैसे कि फोर्ड मोटर्स, ठीक है, सैमसंग, कोको कोला, टाटा मोटर्स इत्यादि। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ मतलब कि एक से अधिक देशों में, मान के चलिए किसी कंपनी का निवेश भारत में है, ठीक है, तो वो चाहेगा कि इसका निवेश USA में यानी कि अमेरिका में भी हो। तो एक से ज़्यादा देश में जो निवेश करता है, ठीक है, अपना कंपनी को फैलाता है, अपना माल को बेचता है, उसको बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर को आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप सभी का 13 नंबर, ठीक है, जो कि सेक्शन सी का प्रश्न है, 6 नंबर दिलाएगा आपको, 3-3 नंबर का 2 प्रश्न शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में, और उसके बाद आपका लॉन्ग में आपका 10 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो 13 नंबर में ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ऋण के औपचारिक स्रोत और ऋण के अनौपचारिक स्रोत भारतीय रिजर्व बैंक के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी करता है। देखिए यहाँ पर याद रखिएगा जो भी अनौपचारिक स्रोत होगा भारतीय रिजर्व बैंक के औपचारिक स्रोत, ठीक है, जो भी औपचारिक स्रोत होगा वो कामकाज का निगरानी करेगा, और जो अनौपचारिक क्षेत्र के ऋणदाताओं की ऋण गतिविधियों की निगरानी करने में कोई संगठन नहीं करता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अभी मैं आपको 13 तक क्वेश्चंस बताया हूँ, ठीक है, और एग्जाम में टोटल 16 क्वेश्चंस पूछा गया था। अगर आप दोस्तों अभी तक वीकली टेस्ट नहीं दिए हैं तो आप दोस्तों देखिए आगे का क्वेश्चंस कहाँ से आप देख सकते हैं। अभी मैं इस वीडियो में 13 तक बताया हूँ, लेकिन अगर आप इसको पूरा अच्छा मान के चलिए 16 का 16 आप देखना चाहते हैं तो दोस्तों गूगल पर सर्च कीजिएगा। क्या सर्च कीजिएगा, JHARKHABAR24। गूगल में दोस्तों जाइए, सर्च कीजिए JHARKHABAR24, ठीक है, और सर्च करने के बाद एक वेबसाइट होगा, वहां पर दोस्तों आप चल जाइएगा VVI क्वेश्चंस में, ठीक है, वहां पर आपको इसका आंसर की मिल जाएगा 1 से लेकर 16 तक क्वेश्चंस का। अगर दोस्तों आप नहीं डायरेक्ट जा सकते हैं तो एक काम कीजिए, आप क्या कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है ना उसमें आपको एक लिंक मिलेगा, ठीक है, क्या लिंक मिलेगा कि जैकबोर्ड क्लास 11th इकोनॉमिक्स वीकली टेस्ट आंसर की 6 जुलाई, ठीक है, उस पर आप दोस्तों क्लिक कीजिएगा, तो ये वाला आपको जो सारा का सारा आंसर आपको वहां मिल जाएगा। तो जल्दी जाए, डिस्क्रिप्शन से भी आप जा सकते हैं और गूगल में सर्च करके भी आप जा सकते हैं।
तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी जाइए एग्जाम को देखकर आइए, एग्जाम दे दिया तो आंसर आप बता दीजिए कितना आपका सही हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए।